राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पंडारा रोड और शाहजहां रोड के ठीक बीच में स्थित बीकानेर हाउस के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी पहचान 25 वर्षीय प्रभाकर के रूप में हुई है। यहाँ पर आपको देख पाएंगे किस तरह से जो खून के निशान यहाँ पर आपको साफ तौर से नजर आएंगे, जिसको पुलिस ने सर्कल कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना तकरीबन बुधवार रात तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच है। जो व्यक्ति को चाकू मारने के बाद आरोपी जो है वो यहाँ से फरार हो गया था। जो घायल व्यक्ति है उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चूंकि ये घटना काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन में हुई थी, इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच करने के लिए कुल 12 टीमों का गठन किया, जिसमें 9 टीमें लोकल पुलिस स्टेशन की बनाई गई थी और 3 टीमें जो स्पेशल स्टाफ हैं उनकी गठित की गई थी। तो हाई सिक्योरिटी में इस तरह की जो घटना हुई है यह बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा कर रही थी, और जिसके बाद आनन फानन में पुलिस काफ़ी ज़्यादा हरकत में आई और उसके बाद इस घटना का आरोपी है उसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में पड़ताल करने में जुटी हुई है। अगर इस एरिया की बात करें तो इस एरिया काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है, कई सारे जो मंत्रालय हैं वो इस एरिया में आते हैं और इसके अलावा संसद भवन भी यहाँ से नज़दीक काफ़ी पड़ता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है आखिर कैसे कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को इस हाई सिक्योरिटी वाले जोन में अंजाम दे सकता है। तो इसको लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी हैं उन्हें फिलहाल खंगाले जा रहे हैं, क्या कोई रंजिश है या फिर कुछ और जो दूसरा कारण है। इन सभी पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जो है वो पड़ताल करने में जुटी हुई है, लेकिन ये बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़ा कर रहा है कि ऐसे हाई सिक्योरिटी वाले जोन में एक व्यक्ति की हत्या हो जाना ये शासन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।